हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत एक इरिटेटिंग नॉइज़ से हो रही है जो कि कार के व्हील से आ रही है। तो इस नॉइज़ को देखने के लिए कि ये किस वजह से आ रही है, तो इसके लिए कार के व्हील को ओपन करना पड़ेगा। तो ये नॉइज़ जो है वो कार के डिस्क प्लेट के साथ किसी चीज़ के टच होने के कारण आ रही है। तो इसके लिए व्हील को ओपन करके उस चीज़ को देखा जाएगा और जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम इस चीज़ को टाइम से नोटिस ना करें और इसको ठीक ना करें, तो इसकी वजह से जो डिस्क प्लेट है उसको जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है और पार्ट चेंज करने की भी नौबत आ सकती है। तो इस खर्चे से बचने के लिए हमें टाइम से इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि डिस्क प्लेट के प्रोटेक्शन के लिए जो पार्ट है उसमें बीच में एक स्टोन फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए मैंने एक बायर की हेल्प ली है। तो बायर को आपने इसी हिसाब से यूज़ करना है कि वो डिस्क प्लेट को डैमेज ना करे। और इसी के साथ आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जो पार्ट उसकी प्रोटेक्शन के लिए है उसका जो गैप है वो प्रॉपर पहले जैसा रहे, जिससे कि वो डिस्क के साथ टच ना हो। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा स्टोन जो है उसको बाहर निकाला गया है और उसी के साथ अब जो जो डिस्क है उसमें से किसी भी तरह की कोई भी नॉइस नहीं आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए गाड़ी को स्टार्ट किया गया है और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव इसे बोल सकते हैं वो ली गई है। उसके बाद जो गाड़ी है वो प्रॉपरली जो है चलाई गई और इसमें किसी भी तरह की कोई नॉइस नहीं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।